लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस की आज बात करेंगे, टाइटल भी हमारा यही है। तो लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं, तो आज इसी पूरे वीडियो में इसी सब पे बात करेंगे। मैं आपका दोस्त रिजवान सैफी। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो जो भी लोग अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, थोड़े से इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनके लिए ज़रूरी है कि वो ये सर्च करें कि आपके एरिया में, आपके गांव में, आपके देहात में जो सबसे ज्यादा आपको स्क्रैप मिलने वाला है, वो आपको केबल स्क्रैप भी हो सकता है, वो आपका पेपर भी हो सकता है, वो पानी की बोतलें भी हो सकती हैं, वो प्लास्टिक के कोई भी आइटम हो सकता है। तो आपने सबसे पहले जो अपने को ये देखना है अपने एरिया में कि अपने को सबसे ज्यादा जो चीज मिलने वाली है वो रिसाइकिलिंग के लिए क्या मिलने वाली है, जो एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा वेस्ट चीज निकल रही है, तो हम उसी टॉपिक के लिए बात करेंगे, उसी पर हम बिजनेस शुरू करेंगे और उसी के बारे में हम रिसर्च करेंगे। तो आपको सबसे पहले अपने लोकल में, अपने 50-60 किलोमीटर के एरिया में आपने सर्च करना है सबसे ज्यादा आपको रॉ मटेरियल क्या मिल रहा है। जो भी आपको रॉ मटेरियल मिले उसके बारे में समझना है कि मेरे को मंथली कितना मिल जाएगा, पर डे में कितना इसको स्टॉक कर सकता हूं। इसी के साथ में आपको एक चीज और क्लियर रखनी है कि भाई इसका प्राइस क्या और सेल आउट के बाद इसका प्राइस क्या, ये चीजें भी आपको डिफाइन करके चलना है हाथों हाथ। जो भी आपको मटेरियल मिलने वाला है उसमें मैंने आपको फिर से बताता हूँ, केबल हो सकता है, पेपर हो सकती है, रद्दी हो सकती है, प्लास्टिक हो सकती है, रिसाइकलिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज हो सकती है, उसकी आपको सबसे पहले आपकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। इस पर आपको प्लानिंग करनी है, मेरा जो सोर्स है, जो कलेक्ट सोर्स है, जिसमें मुझे अपना माल इकट्ठा करना है, वो मेरे को कितनी तादाद में मिल रहा है और इसका जो सेल आउट पॉइंट है वो कहाँ कहाँ पर है जहां पर मुझे इसको सेल आउट करना है, जहां से मुझे बीच का मार्जिन निकाल करके अपने पास लेकर आना है। इस तरह की प्लानिंग आप लोगों ने इस पे बनानी है। जब भी आप मार्केट में स्क्रैप के लिए निकलते हैं तो लोगों से जुड़ने की कोशिश कीजिए, रिलेशन बनाने की कोशिश करिए। किसी के पास मान लीजिए आप बोतल के लिए गए, वायरिंग पड़ी है साथ में ले ली, आप वायरिंग के लिए गए, बोतल मिल गई, मोटर मिल गई, आप उठा लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए। मार्केट में अपना ऑन डिमांड वाली चीजें बना के रखिए, लोगों से जुड़ के रखिए कि क्या सिर्फ मैं पेपर बेचता हूं तो सिर्फ क्या मुझे पेपर ही बेचने, नहीं भाई मैं मोटर भी बेच सकता हूं तो मुझे मोटर वाले से भी जुड़ कर रहना है। आप अपने माइंड में सारे प्राइस वगैरह जितने भी हैं सारे कलेक्ट करके रखिए। मैं वीडियोज में वगैरह में डालता भी रहता हूँ कि किस में क्या निकलता है, क्या रिकवरी है, तो रिकवरी से रिलेटेड भी आप मेरी वीडियोज देखते रहा कीजिए। बाकी नए स्टार्टअप वाले लोगों के लिए आज का जो वीडियो है वो ये है कि लोगों के साथ जुड़ना कैसे है, व्यवहार बना के रखिए, एक कबाड़ी बनिए, कबाड़ी की मेंटेलिटी रखिए, अपने अंदर हर चीज ला करके रखिए कि भाई मेरे को अगर मैं पेपर खरीदने गया, मेरे को कुछ मोटरें मिल गई, मैंने कलेक्ट कर ली, ले ली, कुल मिला के दो पैसे की अर्न होनी चाहिए। जरूरी नहीं है मैं पेपर खरीदने गया हूं तो मैं सिर्फ पेपर ही लूंगा, आपको लग रहा है भाई ये मटेरियल भी मैं सेल आउट कर सकता हूं तो उस मटेरियल को भी परचेज कर लीजिए। लोगों के साथ जुड़िए, आपको वेस्ट कहां कहां से मिल सकता है, आपको बिल्डिंग्स वगैरह तोड़ते हैं आपको वायरिंग रिलेटेड वहां मिल जाएगी, प्लास्टिक पन्नी वालों के आपने देखे होंगे लोग बहुत बड़ी जगह पर स्टॉक करके रखते हैं, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। छोटे घूमने वाले, फेरी करने वाले जितने भी गाँव देहात में लोग होते हैं उनसे जुड़िए, उनसे अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कीजिए, उनके साथ जुड़े रहिए, वो भी आपको अच्छी तादाद में मटेरियल दे सकते हैं अगर आप उनके साथ में जुड़े रहते हैं। साथ में हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, मैं डेली ही प्राइस अपडेट करता हूं। जब भी आप किसी चीज में फील्ड में घुसते हैं या रिसाइकलिंग लाइन में घुसते हैं तो वहां आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप मोटर भी लेकर के आ सकते हैं पेपर के साथ में, तो आपके माइंड में हर चीज का ना एक रेट होना चाहिए, हर चीज का एक एवरेज होना चाहिए कि यार मैं ये चीज मटेरियल परचेज कर रहा हूं इसके अंदर लोहा कितना है, कॉपर कितना है, या मैंने ये पेपर परचेज करा है इसके अंदर, पेपर के साथ में जो अलग टाइप की और रद्दी आती है जैसे कि गद्दा हो सकता है, वो एक कॉपी हो सकती है, वो बुक्स हो सकती हैं, तो ये सब चीजें जो हैं अलग अलग प्राइस की डिफाइन होती हैं। जैसे कि अगर मैं बोतलों की बात करूं तो प्लास्टिक की बोतल भी हो सकती है और कैन बोतल भी हो सकती है ना, प्लास्टिक जो है कोल्ड ड्रिंक की भी हो सकती है और एक रेगुलर घर में यूज होने वाला प्लास्टिक भी हो सकता है, तो दोनों की ही कैटेगरियां अलग हो जाती हैं। तो दोनों का ही प्राइस आपके माइंड में बिल्कुल सेट और क्लियर होना चाहिए कि भाई इसका प्राइस ये है और इसका प्राइस ये है। LD किसको बोलते हैं, LLP किसको बोलते हैं, PP किसको बोलते हैं, है ना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब रिसाइकलिंग में घुसे तो बहुत अच्छे से सर्चिंग करनी है, बहुत अच्छे से चीजों को समझना है, उसके लिए चाहे आप इतना भी आप अपना वक्त लगाओ, क्योंकि ये बिजनेस सीखने वाला है, ऑन प्रैक्टिकली बिजनेस है, थ्योरी बेस्ड बिल्कुल बिजनेस नहीं है। तो बिल्कुल माइंड क्लियर कर ले कि इस बिजनेस में अगर हम घुस रहे हैं तो हमें सीखना है, सीखना है और सीखना है, सीखेंगे तब हम इसमें करेंगे, तब हम इसमें अच्छा अर्निंग बना पाएंगे। जब भी आप कोई मटेरियल परचेजिंग के लिए कोशिश करें, अगर आपको उसका प्राइस पता नहीं है तो बिल्कुल मटेरियल परचेज नहीं करना है। यहाँ पर आप नुकसान उठा सकते हो कि आप इस तरह की मेरी बातों की भावनाओं में आ जाओ कि भाई रिजवान भाई ने बोला कि भाई पेपर के साथ बोतल उठा सकते हैं या मोटर उठा सकते हैं।
अगर प्राइस नहीं पता तो नहीं उठाना है, पहले प्राइस को सर्च करना है, प्राइस की इंक्वायरी करनी है, अपने लोकल कबाड़े में पता करना है, बड़े कबाड़ी में पता करना है कि इसका क्या एवरेज चलता है। अगर पर पीस की बात करी जाए मोटर की, तो इसको क्या रेट में उठाना चाहिए। तो इन सब बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और बाकी जितनी भी चीजें, अगर एक बार गलती हो गई, मान लीजिए आपने कोई मटेरियल परचेज करो, ये भाई मिस्टेक आपसे हो गया, तो लाइफ में ये आपका जो गोल है ये क्लियर होना चाहिए, ये गलती आज के बाद कभी नहीं होगी। इस तरह की मिस्टेक से हमने सीखना है, इस तरह की गलतियों से हमने अपने अंदर सुधार लाना है। और अगर आप इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहते हैं, नए व्यूअर्स हैं, नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो मेरे दिए व्हाट्सएप पे मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मुझसे जो भी हेल्प बनपनती है मैं देता हूँ लोगों को, तो आप मेरे से जो भी जानकारी लेना चाहें मैं दे दूंगा आपको। जैसी भी मेरे से हेल्प होती है मैं हमेशा करता आया हूँ। इसी तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, तो हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।